एगेड आर्क के खत्म होते ही एल्बाफ आर्क अपने गॉड डी उसाब के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्क होने वाला है, क्योंकि अपने गॉड उसाब जो है वो एल्बाफ के ऊपर रहने वाले जायंट वॉरियर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और अपने सफर के अंदर उन जायंट वॉरियर्स की ब्रेवरी देख के साथ साथ अपने डुअल के प्रति उन लोग का प्राइड देख के गॉड उसाब उन लोग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और उन्हीं की तरह भाई आगे चल के अपने गॉड उसाब सी का एक ब्रेव वॉरियर बनना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पिछले कुछ आर्क्स के अंदर देखा है कि होल केक आइलैंड के ऊपर सांजी का कैरेक्टर डेवलप हुआ है और वानो के अंदर अपने जोरो का काफी बढ़िया से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, वैसा ही भाई एल्बाफ के ऊपर हमको अपने गॉड उसाब का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। उसाब को वन पीस के स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा वीक और झूठ बोलने वाला कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन हमको भी पता है कि जैसे जैसे वन पीस की स्टोरी आगे बढ़ी वैसे वैसे भाई उसाब के झूठ भी सच साबित होने लग गए। यहाँ पर हमको एक टाइम के लिए लग रहा था कि भाई उसाब जो है वो बस एक नंबर का फेक हुआ, लेकिन उसकी बोली हुई बातें जब सच साबित होने लगी तभी हमको उसके ऑब्जर्वेशन हाकी का पता चला। हमको पता चला कि क्यों उसाब को एक गॉड का टाइटल मिला है। हमने उसाब को बहुत बार अपनी ऑब्जर्वेशन आंखें का यूज करते हुए देखा है, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा कम टाइम के लिए था। भले ही वो वन पीस के मूवीज के अंदर हो या वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड्स के अंदर, उसाब की जो हाकी है वो बचपन से ही उसके पास में है। जब उसने बोला था कि उसके टाउन के ऊपर पायरेट्स का हमला होने वाला है जो कि आगे चल के सच हो गया था, लेकिन उस टाइम कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा झूठा था। आगे चल के उसके ऐसे बहुत सारे झूठ सच साबित हो गए, लेकिन ये बंदा भाई अपने झूठ को सच साबित होते हुए देख के खुद शौक में चला जाता है। उसाब के पास में ऑब्जर्वेशन हाकी होने का एक बहुत बड़ा वाला रीजन है जो कि है उसके डैड। हमने वन पीस के रेड मूवी के अंदर भी देखा है कि भाई एक टाइम के लिए उसाब की जो ऑब्जर्वेशन हाकी है वो उसके डैड के ऑब्जर्वेशन हाकी को सरपास कर रही थी। भले ही अभी उसाब को अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में ना पता हो या उसको अच्छे से यूज ना करना आता हो, लेकिन जब लूफी का क्रू एल्बाब के ऊपर जाएगा तब हमको उसाब को लेकर काफी बड़े वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहां पर हम बात करें उसके ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर करने की या सी का ब्रेव वॉरियर बनने की, यहाँ पर उसाब की जो ऑब्जर्वेशन आकी रहेगी वो बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उसाब जो है वो जाने अनजाने में सालों बाद की जो चीज होने वाली है उसको भी भाई प्रेडिक्ट कर सकता है। एक टाइप से अपने गॉड उसाब के पास में फ्यूचर साइट है जो कि भाई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आकी से काफी ज्यादा गुना बेटर है, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आकी में लोग बस अपने ओपोनेंट के कुछ मूव्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई अपने गॉड उसाब की ऑब्जर्वेशन आकी एकदम से नेक्स्ट लेवल है जो कि सालों बाद क्या चीज होने वाली है उसको भी टाइम पास में प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अभी भी उसाब के ऐसे बहुत सारे झूठ है जो कि सच साबित नहीं हुए हैं, जिसके अंदर से ही एक झूठ यह है कि भाई बिग मॉम की जो कॉन्करर साकी है वो मेरी है। इसका मतलब यह है कि भाई आगे चल के उसाब के पास में हमको भाई योंको लेवल कॉन्करर साकी देखने को मिलेगी। हमको नहीं पता है कि उसाब का हर एक झूठ आगे चल के वन पीस के अंदर सच होने वाला है या नहीं, लेकिन एल्बाफ आर्क उसको एक ब्रेव वॉरियर बनने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और अभी टाइम आ चुका है कि अपने गॉड उसाब दुनिया को अपने ट्रू पावर्स दिखाए। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।